हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग के सेकंड पार्ट द ब्लैक एरोप्लेन के बारे में। एक स्टोरी है एक पायलट के बारे में जो कि फ्रांस से इंग्लैंड की तरफ एक प्लेन लेके जा रहा है। उस समय जो वेदर है, जो मून है, वो बिल्कुल साफ साफ चमक रहा है स्काई में। तभी वो अपना स्टार्ट करता है ओल्ड डैकोटा, प्लेन का नाम है जो वो पायलट उड़ा रहा था, जिसको फ्रांस से इंग्लैंड जाना था। ही कनेक्टेड इज पैरिस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, वह अपने पैरिस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन से कनेक्ट करता है, जिस तरह उसे इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि उसे 12 डिग्री बेस्ट में ट्विस्ट करना है, टर्न करना है। वह ये सोचता है कि वो टाइम पर इंग्लैंड पहुंच जाएगा और अपना मनपसंद ब्रेकफास्ट वहीं करेगा। वह केवल 150 किलोमीटर ही पेरिस से आया था। वो देखता है कि क्लाउड्स स्काई में आ चुके हैं, एक भारी स्ट्रॉन्ग क्लाउड्स, ब्लैक क्लाउड्स उसे दिखाई देते हैं अपने चारों तरफ, जो कि एक माउंटेन की तरह उसके सामने खड़े हुए थे। वह उसको अवॉइड करके ऊपर नहीं जा सकता था, सो ही डिडंट। लेकिन उसके पास में इनफ पेट्रोल भी नहीं था, सिर्फ इतना पेट्रोल था कि वह फ्रांस से इंग्लैंड तक पहुंच सकता था। लेकिन उसने एक बार सोचा भी कि वह पेरिस वापस चले जाए, लेकिन उसके जो घर जाने की जो बोल सकते हो एक्सट्रीम डिज़ायर थी, और अपना ब्रेकफास्ट, अपना मनपसंद ब्रेकफास्ट नहीं, इंग्लैंड में करने की जो डिज़ायर थी, उसने उसे रिस्क लेने के बारे में सोचा। सो उसने एक रिस्क लिया और आगे बढ़ गया। सब कुछ ब्लैक नज़र आ रहा था, जो एरोप्लेन था जंप करने लगा, ट्विस्ट करने लगा, हवा में इधर से उधर डोलने लगा। जब उसने देखा कि उसका जो कंपास था, जिससे हम अपनी डायरेक्शंस को देखते हैं, वो फेल हो चुका था, डेड हो चुका था, उसके सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट सडनली डेड हो चुके थे, उसके रेडियो पर कोई कनेक्शन नहीं था, कोई आंसर नहीं था। ये जो बहुत ही होपलेस सिचुएशन बन चुकी थी, वह पूरी तरह से स्ट्रोम में खो चुका था। तभी अचानक से उसने देखा एक ब्लैक एरोप्लेन जो उसी के जस्ट ऊपर, उसी के सामने के लिए उड़ रहा था। किसी और पायलट को देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ और एक ऑब्वियंट चाइल्ड की तरह वो उस एरोप्लेन के पीछे चल पड़ा। उसने उस ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो किया, लेकिन जब उसने देखा कि उसके प्लेन में केवल 5 से 10 मिनट तक ही का जो फ्यूल था वो रह गया था, तभी अचानक जैसे ही वो क्लाउड से बाहर आया, उसे दो स्ट्रेट लाइन दिखाई देती हैं जो कि एक रनवे थी, एक एयरपोर्ट था। अपने एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद वह अपने उस फ्रेंड को, उस ब्लैक एरोप्लेन के पायलट को के पास जाना चाहता था, उसको थैंक यू बोलना चाहता था अपने रेस्क्यूअर्स के लिए। लेकिन जब वो उसके बारे में पता करने के लिए कंट्रोल टावर गया, उस वहाँ जो लेडी बैठी थी, उन्होंने उससे बताया कि कोई और भी एरोप्लेन उस रात डैकोटा के खिलाफ नहीं उड़ रहा था। ब्लैक एरोप्लेन और उसका वो पायलट एक मिस्ट्री की तरह, नरेटर का एक मिस्टीरियस पार्ट बन के रह गया। अब इसके एक क्विक नोट देख लेते हैं। नरेटर्स वॉज फ्लाइंग द ओल्ड डैकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। He called Paris control and asked to 12 degree the best. तो उसने सोचा कि मतलब वह अपनी फैमिली के साथ टाइम पर होगा ब्रेकफास्ट पर, अपना मनपसंद ब्रेकफास्ट कर रहा होगा, सब कुछ उसके अकॉर्डिंग चल रहा था एक ईजी नाइट की तरह। सडनली वो देखा कि उसने बहुत सारे डार्क ब्लैक क्लाउड्स आ चुके हैं, लेकिन फिर भी उसने रिस्क लिया और सीधा अपने प्लेन को सीधा स्ट्रोम में घुसा दिया। सब कुछ ब्लैक हो गया था। इनसाइड द माउंटेन ऑफ द क्लाउड, क्लाउड्स क्या एक माउंटेन्स था जिसके अंदर वो गया, वहाँ सब कुछ ब्लैक दिखाई दे रहा था। उसने देखा एक उसका जो ओल्ड प्लेन है वो जंप करने लगा, ट्विस्ट करने लगा उस एयर में। वह बिलीव नहीं कर सकता था। ही फाउंड हिज कंपास एंड अदर इंस्ट्रूमेंट बट टोटली डेड। पूरी तरह से उसके सारे जो इंस्ट्रूमेंट थे, सारे रेडियो, कंपास और जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं प्लेन में, सारे के सारे डेड हो चुके थे। सडनली उसने देखा एक दूसरा एरोप्लेन है और वह पायलट का फेस बहुत ईजिली देख सकता था, और उस ब्लैक प्लेन का जो पायलट था, उसने नरेटर को फॉलो करने का इशारा दिया। नरेटर डरा हुआ था उसके, क्योंकि उसके प्लेन में फ्यूल जो है इनफ मात्रा में था कि वह लास्ट 5 to 10 मिनट ही प्लेन को वो उड़ा सकता था। अचानक से उसने देखा कि मतलब वह क्लाउड के बाहर आ गया है और टू स्ट्रेट लाइंस दिख रही हैं इन फ्रंट ऑफ हिम। वो एक रनवे था जहां उसने बहुत ही सेफली लैंडेड किया। लैंडिंग के बाद उसने उस लेडी से, जो कंट्रोल रूम में थी, उससे पूछा उस अदर पायलट के बारे में। उसने उस लेडी ने रिप्लाई दिया कि कोई भी अदर एरोप्लेन वहाँ पर डैकोटा के खिलाफ, मतलब वो प्लेन जिसको वो उड़ा रहा था, उसके अलावा कोई प्लेन नहीं उड़ रहा था। जो ब्लैक पायलट और ब्लैक एरोप्लेन, उसके लिए एक अनसॉल्व मिस्ट्री रह गई फॉर द नरेटर्स, उस नरेटर के लिए। देखो अब उसके बाद में ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। इस पीडीएफ को डाउनलोड करो, इन सारे एक्सट्रैक्ट को सॉल्व करके देखो। उसके बाद हम एक शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। डिस्क्राइब द ऑथर्स फीलिंग व्हाइल ही वाज फीलिंग द एरोप्लेन बैक टू इंग्लैंड। उस फीलिंग्स को बताना है कि वो क्या नरेटर ने उस फील किया था जब वो ओल्ड डैकोटा प्लेन को फ्लाई कर रहा था। वॉट डिड द राइटर
फील इनसाइड द क्लाउड्स, उसने इनसाइड क्या फील किया था, व्हाट रिस्क द राइटर टेक व्हाइल फ्लाइंग एंड व्हाई, कॉस्ट किस टाइप का जो रिस्क था नाइटर ने लिया और क्यों। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन है, वैल्यू वेस्ट क्वेश्चन है स्पेशली हमारे। हाउ डिड द राइटर गेट आउट द स्टॉर्म इन द नाइट लैंड सेफली, ये हमारे क्वेश्चन सीबीएस 2016 के टाइम पर आया हुआ है। Why was the writer happy when he decided to fly in the night? क्यों वो खुश था उस रात जब उसने निश्चय किया कि वो उस रात जाएगा। Pilot wanted to thanks another pilot after his safe landing. अब उसको thanks बोलना चाहता था, why, क्यों, और word value of the writer are reflected from the action. उसके reflection से किस type के, किस value, कौन सी values जो हैं show होती हैं। तो ये इन सभी के आंसर्स मैंने आपको दिए हुए हैं, बस फटाफट से बिना टाइम को वेस्ट करे अब जाओ कॉपी पेन उठाओ और जल्दी से इसे सॉल्व करो और खुद से ही अपने एग्जामिनर बन जाओ, खुद को मार्क्स दो और जज करो कि कितने परसेंट इस चैप्टर को आप समझ पा रहे हो और इन क्वेश्चंस के आंसर दे पा रहे हो। सो फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय,